Alright, so hey guys, what's up everybody, it's your boy Rishi Mishra, welcome back and begin with the new video. So guys, welcome to my new video. So dude, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो डूड, सीन अभी ये है ना कि अभी मैं फिलहाल छत पे आया हूँ और मैं थोड़े काम से आया हूँ. सो वो काम फिनिश कर लेते हैं. एक्चुअली क्या है डूड, पहले आपको मौसम दिखाता हूँ यार. आज का जो मौसम है ना भाई, एकदम बॉम्ब मौसम है, मतलब अलग ही लेवल का है. मतलब ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बारिश का सीज़न तो कब का आ चुका है, बट बारिश नहीं हो रही थी. सो बारिश का कोई खास नहीं है, बारिश तो अभी भी नहीं हो रही है, बट इतना बढ़िया हवा चल रहा है ना डूड, मज़ा आ गया है. मतलब आंधी वाला हवा नहीं चल रहा है, मतलब आंधी चलता है तो मज़ा नहीं आता ना, पूरा धूल मिट्टी ये सब चारों साइड से उड़ता रहता है. बट ये वाला जो मौसम है ना, देखो क्या बोलते हैं ऊपर वाले, मतलब ब्लैक वाले क्लाउड्स हैं, वो आवाज़ आ रही है क्लाउड्स में. बारिश होती है कैसा बोलते हैं ना, भगवान गरज रहे, मीन्स वैसा वाला क्लाउड्स से आवाज़ें आ रही है, मतलब रबिंग हो रही है. और साथ ही में मतलब एकदम मस्त क्लाइमेट है. अभी ज़्यादा टाइम नहीं, मालूम कितना बजा है अभी, दोपहर के 1:30, मतलब 1:30 बज रहे हैं, और इतना मस्त मतलब ब्यूटीफुल सा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है. मैं छत पे इसके लिए आया था ना, क्योंकि बारिश का मौसम है और मम्मी ने ना कुछ खटाई बनाई थी, वो ना छत पे डाला हुआ था, क्योंकि इसके पहले तक धूप था. तो मम्मी बोली थी कि धूप में रहेगा थोड़ा सा, मतलब उसको धूप चाहिए रहता है, बरोबर हो जाएगा. बट अभी ऐसा मौसम हो गया है ना, तो उसको साफ़ करना नहीं पड़ेगा यार, सॉरी, मतलब उसको छत पे से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अचानक से बारिश हो गई तो पूरा वापस से गीला हो जाएगा ना. सो मैं वही जस्ट अभी ऊपर हटाने आया हूँ, वो हटाता हूँ फिर आपको चलता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया चीज़. बनाया था क्या, अभी हवा चल रहा है, उड़ जा रहा है ना, तो इसको रख देते हैं अंदर. इसलिए मैं ना मैं ऊपर खटाई हटाने के लिए नहीं आया था भाई. यार बाल यार पता नहीं क्या हो गया डूड, पहले बाल पे आते हैं यार, जरूरी चीज़ है ये. देख रहे हो, मतलब अजीब सा ही बाल हो गया है ना. एक्चुअली ना मैंने आज ऑयल नहीं दिया है बाल में, मतलब ऑयल नहीं लगाया है बाल में, इसकी वजह शायद थोड़े थोड़े हो गए. और साथ में हवा चल रही है ना, तो देखो क्रिया सेट वापस ख़राब हो गया. सो इग्नोर करो यार, बाल को इग्नोर करो. सो मैं बताता मैं ऊपर क्यों आया था. एक्चुअली मेरे को एक ड्यूटी थी आज, आज मैं आम की रखवाली कर रहा था. तो ऊपर से क्या है, पेड़ एकदम क्लियर दिखता है ना, ये जो पीछे से बालकनी गई है आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पेड़ एकदम बरोबर दिखता है, पूरा दूर दूर तक दिखता है. सो इसके लिए ही मैं ऊपर आया था. और मैं आपको बताऊँ कि मैं रखवाली क्यों कर रहा था. एक्चुअली मैं ऊपर से नहीं बताता हूँ, मैं सीधा नीचे चल के आपको दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझेगा. बालकनी से मैंगो बरोबर दिख रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, पीछे का मतलब पूरा पार्ट यहाँ से बरोबर दिखता है ना, इसके लिए मैं छत पे आया था. पेड़ पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ. लकड़ियाँ कहाँ रखे हो वहाँ पे, कौन सा, ये दूसरे वाले आम पे, अच्छे थे खेत में, वो दादी गई थी तो थोड़ा सा मतलब लकड़ी था, वो मतलब बींद के रखी थी. क्या होता है बारिश में जलाने में काम आता है ना, कोयला भी रहता है साथ में, लकड़ी भी काम में आता है ना, तो वही बोली लेके आ जाना. गाइस मैं बताता हूँ हुआ क्या था. हम लोग घर में थे, खाना खाने सब लोग गए थे, और तभी ना 15-16 मतलब गाय चराने वाले बच्चे होते हैं ना, वो लोग आए थे, पता नहीं किधर थे. एक्चुअली पप्पा देखते तो पहचान लेते, बट मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि मतलब मैं यहाँ रहता नहीं ना, तो बहुत कम लोग को जानता हूँ. वो 15-16 लोग थे, वो लोग आए, ये वाला पेड़ दिख रहा है आम का, ये छोटा वाला, इस पे चढ़े, मतलब 8-9 लोग ऊपर चढ़े, 3-4 लोग नीचे थे, और एक ना घर के गेट के बाहर सामने मतलब इधर दूर खड़ा था, वो देख रहा था कि जैसे घर में से कोई आएगा मैं चिल्ला दूंगा और सब लोग भाग जाएंगे. तो जैसे मैं बाइक से आ रहा था मतलब निकाल रहा था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला. तो जैसे मैं मतलब पर्दा हटा के बाहर आने लगा, और चिल्लाया कि मतलब लोग आ गए घर में से भाग, तो मुझे लगा मैं तुरंत बाइक खड़ी करके उन लोगों को तुरंत दौड़ा, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया. और उन लोगों ने ना अराउंड 60-70 आम तोड़ लिया पूरा. तो मैं वही रखवाली कर रहा था कोई दोबारा ना आ जाए भाई, बहुत ज़्यादा आम तोड़ लिया. आपको दिखाऊँ नीचे का, मतलब लिटरली जितना आम था ना सब तोड़ लिया, देख लो
ये साइड मतलब है ही नहीं भाई, चोरी होती है ठीक है, आम लेना अच्छी बात है, हम लोग पेड़ में से चुरा के खाते थे, बट हम इस तरह नहीं चुराते थे ना, 40-50 आम, दो चार आम लेके चले जाओ, देख रहे हो नीचे का सब चला गया, बस जो ऊपर था ना, देखो ऊपर भी नहीं है, बहुत कमी है, 10-15 मतलब नहीं 50-60 आम ही बचाए केवल, देख रहे हो सब चला गया भाई। क्या होता है ना, आम तो हम लोग भी चुराते थे भाई, मैं भी जाता था स्कूल, तो मतलब जब यहाँ पे पढ़ता था मैं भी स्कूल जाने लगता था, तो आम अमरूद मैं भी चोरी करके खाता था, बट इस तरह से नहीं करता था भाई कि मतलब सीधा चढ़ के पूरा पेड़ ही खाली कर दो, मतलब चढ़ो 5-6 जितना खाना है उतना ले लो ना भाई। लोगों ने कम से कम 50-60 क्योंकि लोग झोला लिए थे, प्लास्टिक वाला जो रैपर होता ना ट्रांसपेरेंट, तो वो वाला लिए थे, उसमें दिख रहा था बरोबर, मतलब एक थैली पूरी भरी थी, दूसरी आधी भरी थी, अराउंड मतलब 60-70 आम वो लोग ने तोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा तोड़ेगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना। मैं उन लोग को दौड़ा भी लेता यार, मैं आपको पता है क्यों नहीं दौड़ा पाया, जैसे मैं यहाँ तक आया ना, मतलब नहर तक आया ना, देख रहे हो नहर में पानी आया है, वो लोग क्या थे चराने वाले थे, और वो लोग ने छोटा वाला पैंट पहना था ट्रैक वाला, तो ये लोग सीधा अंदर घुस के यहाँ से चले गए, वो साइड पीछे साइड वो तालाब है ना वहाँ चले गए। मैंने जीन्स पैंट पहना था, मतलब बाहर जा रहा था ना, तो मैं फुल जीन्स पहना था, तो मैं इसको अंदर से नहीं जा सकता था ना, तो मुझे जाना पड़ता तो वहाँ दूर देख रहे हो पुल पे से जाना पड़ता, इतने में तो लोग भाग गए थे। फिर भी मतलब फिर मैंने कहा पप्पा को, बोला पप्पा आए गए बाहर तक देखे, बट वहाँ पे कोई था नहीं, उन लोग को पता था मतलब वो लोग आएंगे, तो वो लोग भाग गए थे, वो पीछे जो पहाड़ी दिख रही ना बीटा वाला, वो लोग उस पर चले गए थे, और मतलब पूरा पेड़ ही खाली कर दिया। तो मैं पूरा दोपहर मतलब छत पे से देख रहा था कि भाई कोई वापस से चोरी करने ना, क्योंकि एक बार आ गए तो पॉसिबल है ना दोबारा आ जाए, तो वही मैं देख रहा था, बट कोई नहीं आया, तो ये भाई गलत बात। चलो ठीक है, अभी लेके गए तो क्या कर सकते हैं, अभी आया हूँ तो थोड़ा हवा चल रहा है ना, तो दो चार आम गिरा हुआ है उसको भी ले लेता हूँ, साथ में दादी ने जो मतलब क्या बोलते हैं लकड़ी रखा है उसको भी ले के घर पे चलता हूँ। देखो ये काम मिला। सो गाइज मतलब पूरा आम चला गया, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ पीछे, दादी गई है, दादी ने कुछ मतलब सब्जियाँ तोड़ी उसको घर में लेके जा रहा हूँ, और साथ में कुछ लकड़ी भी है, वो लकड़ी भी लाना है, पता नहीं दादी लकड़ी क्यों जमा कर रही है, सो मैं रख देता हूँ, साथ में सब्जियाँ रख देता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी रहेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, या प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड यार शेयर करो ये वीडियो, ताकि मतलब यार शेयर कर दो, क्यों करो मेरे को नहीं पता, बट शेयर कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी रहेगी।